हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल नेशनल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, मैं अभिनव खंडेलवाल आज आप लोगों से क्लास 11th इकोनॉमिक्स का एक बेहद इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने आया हूं। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। बच्चों को थोड़ा सा ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो मेरी वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम आसानी से क्लियर हो पाए। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। और आप मेरे पीछे बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, मैंने ऑलरेडी कुछ होमवर्क करा हुआ है, कुछ ऑलरेडी चीजें लिखी हुई हैं आपको समझाने के लिए। तो मेरे बच्चे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूटिलिटी क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म यूटिलिटी? देखो मेरे बच्चे, जब भी आप किसी गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करते हो, क्या करते हो? कंज्यूम। तो आपको उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको आप लोगों ने नाम दिया यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे भूख लग रही है, मैंने समोसा खाया, तो समोसा खाके मुझे क्या सेटिस्फेक्शन मिला उसको मैंने नाम दिया है यूटिलिटी। तो यूटिलिटी की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ है, इट इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, जिसको हमने नाम दिया यूटिलिटी। कमोडिटी मतलब जो भी आपने कंज्यूम कर। अब मेरे बच्चे, यूटिलिटी को मेजर भी करना चाहिए। यूटिलिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। सबसे पहले ऑर्डिनल अप्रोच पे आ जाइए, वो बड़ा छोटा सा मैंने लिखा हुआ है, पहले वो आपको समझा दूं। ऑर्डिनल अप्रोच में लिखा है कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो अगली वीडियो का वेट करिएगा, ऑर्डिनल अप्रोच हम वहां डिस्कस करेंगे। कार्डिनल अप्रोच पर आते हैं। कार्डिनल अप्रोच में देखिए, यूटिलिटी को हमारे, पहले तो ये बात करते हैं कि ये अप्रोच किसने दी। ये अप्रोच दी है अल्फ्रेड मार्शल नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने, और उन्होंने बोला कि आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मेजर। अब मेजर कैसे करोगे भाई? जैसे आप वेट्स को मेजर करते हो अपने किलोग्राम में, हाइट को मेजर करते हो फीट में या सेंटीमीटर में, वैसे ही यूटिलिटी को आप मेजर करोगे एक स्टैंडर्ड यूनिट में। और उस स्टैंडर्ड यूनिट को हम लोगों ने एक नाम दिया है मेरे बच्चे, यूटिल्स। लिख लीजिएगा आप लोग, उस स्टैंडर्ड यूनिट को मैंने एक नाम दिया है, और मैंने नाम क्या दिया है? यूटिल्स। यूटिल्स क्या होते हैं? ये सेटिस्फेक्शन है जो एक कंज्यूमर को मिलेगा। मगर अल्फ्रेड मार्शल ने यह भी बोला कि ये तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर डिफर करता जाएगा, तो यूटिल्स की एक वैल्यू होनी चाहिए। सपोज मैंने ये कहा कि मेरा एक रुपए इज इक्वल टू एक यूटिल है, कि अगर मैं कहता हूं कि मुझे एक यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, तो मुझे एक रुपए का क्या मिला मेरे बच्चों? सेटिस्फेक्शन। तो आप बस बेसिक चीज समझ लीजिए कि यूटिलिटी को मेजर करा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड मेजरमेंट, और उसको हम लोगों ने नाम दिया है यूटिल। ये अप्रोच भी है अल्फ्रेड मार्शल ने, और इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस, आपके एमसीक्यू में जरूर आएगा, या इसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। तो पहले आप इस टॉपिक को जल्दी से कवर करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में बताना शुरू करता हूं। तो बच्चों, अपने अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, और मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कि यूटिलिटी कितने तरीके की होती है। तो मैंने आपको एक डायग्राम से समझाया कि यूटिलिटी दो तरीके की होती है, सिंपली दो तरीके की। एक होती है टोटल यूटिलिटी, डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, और एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी, डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। लेकिन अगर हमें डेफिनेशन ही पढ़ना है तो वीडियो देखकर कोई फायदा नहीं है। हम पहले उसके कंजम्पशन को समझते हैं, आप उसके मेथड को समझते हैं, और फिर उसके बाद हम डेफिनेशन की बात करेंगे। तो मेरे बच्चे, इसको समझाने के लिए मैं आपसे कॉम्बिनेशन की बात करता हूं कि मान लीजिए एक बच्चा है जिसका नाम है मिस्टर एक्स। ये है हमारा मिस्टर एक्स बेचारा,
स्माइल कर रहा है, इसको आइसक्रीम खानी, क्या खानी है मेरे बच्चों, आइसक्रीम खानी है। और आपने इसे ये कहा है कि आपको अपनी यूटिलिटी को मेजर करना है और आइसक्रीम को इसे लगातार खिलाना है, ठीक है, कैसे खिलाना है, लगातार। और आपने इसे ये बता दिया है कि आपको यूटिलिटी को मेजर कर दिखाना है इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर, जिसे आपने नाम दिया था यूटिल्स, और मैक्सिमम पॉइंट जो ये दे सकता है वो दे सकता है 20। कितने पॉइंट्स दे सकता है? 20। तो मेरे बच्चे, इसने जब पहली आइसक्रीम खाई, मान लेते हैं ये 6 आइसक्रीम खाएगा, कितनी आइसक्रीम खाएगा, 6 आइसक्रीम खिला दो इसे, गर्मी बहुत हो रही है, 6 आइसक्रीम खिलाओ। तो जब इसने पहली आइसक्रीम खाई तो इसने जो सेटिस्फेक्शन इसको मिला, तो इसको सेटिस्फेक्शन मिला मैक्सिमम 20, कि मैंने इसको कहा था कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कितना ये पॉइंट दे सकता है, मेजर कर सकता है, 20। तो इसने कहा कि मैं तो पहली आइसक्रीम पर फुल मार्क्स दूंगा, 20 रुपीज का सेटिस्फेक्शन मुझे मिला। अब जब हमने इसको दूसरी आइसक्रीम खिलाई तो मेरे बच्चे, इसका पेट तो थोड़ा सा भर गया होगा या नहीं? बिल्कुल। अब अगर इसका पेट भर गया होगा तो इसने पहली पर तो पॉइंट दिए थे 20, दूसरी पर इसने पॉइंट दिए 60, इसका थोड़ा सा पेट भर गया था, इसने पॉइंट दिए 60, तो हमारी दूसरी पर जो टोटल यूटिलिटी आई वो कितनी आई? 36। लीजिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं किसके बारे में जिक्र कर रहा हूं, मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं टोटल यूटिलिटी का। आपको टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला जब आपने पहली यूनिट को कंज्यूम करा? आपको 20 सेटिस्फेक्शन मिला। आपने दूसरी यूनिट को कंज्यूम करा, सेटिस्फेक्शन कम हुआ, आपने कहा 16 का मिला, लेकिन दूसरी पर टोटल कितना मिला? 20 पर पहला था, दूसरा कितना था? 16। तो आपको टोटल मिला कितना? 36। तीसरी पर आते हैं, तीसरी पर जब आपकी मैंने बात करी कि आपको टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला, तो आपने कहा कि जब मैंने तीसरी आइसक्रीम कंज्यूम करी तो मेरा पेट और ज्यादा क्या हो चुका है मेरे बच्चों, भर चुका है, ये मिस्टर एक्स ने मुझे कहा। तो उसने बोला कि 20 मैंने फर्स्ट पे दिए थे, 16 मैंने सेकंड पर दिए थे, अब मैं आपको 10 पॉइंट्स दूंगा। तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई मेरे बच्चों? 46। बात समझ में आ रही है? अब जब मैंने उससे कहा मुन्ना एक और खा लो, 4 खा लो, तो उसने कहा ठीक है, 20 फर्स्ट पे था, 16 सेकंड पे था, यूटिलिटी कम होती जा रही है, 10 थर्ड पे था, अब पेट और भर गया, तो उसने मार्क्स और कम दिए, तो इसको टोटल यूटिलिटी कितनी मिली मेरे बच्चों? 4। मैंने कहा मुन्ना एक और खा लो, कह रहा नहीं मेरा पेट भर गया, मैंने बोला एक और खानी पड़ेगी, तो मैंने उसको एक और दी आइसक्रीम, तो मेरे बच्चों उसने मुझे 0 पॉइंट दी। कितने पॉइंट दिए मेरे बच्चों? 0, पेट भर चुका है, 50। अब अगर मैं उसे एक और कंज्यूम कराता हूं, गर्मी हो रही है बेटा, तबीयत खराब हो जाएगी, और हो भी गई, अब उसने मुझे पॉइंट माइनस में दिए, उसकी तबीयत भी खराब हो गई, तो मेरे बच्चों उसका पेट भर चुका था, तो अब ये हो गया 44। तो आपको टोटल यूटिलिटी मैंने आपको समझाई, आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। टोटल सेटिस्फेक्शन जो मुझे मिला ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। अब अगर मैं बात करूं सेकंड पॉसिबल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी पे टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला, आपने कहा 20 प्लस कितना? 36। थर्ड पे कितना मिला, आपने कहा 20 प्लस 16 प्लस 10, 46। फोर पे कितना मिला, 20 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 4, 50। तो ये आपकी क्या हुई मेरे बच्चों? टोटल यूटिलिटी। क्या निकली? टोटल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं कि आप टोटल यूटिलिटी कैसे निकालोगे इन टर्म्स ऑफ नंबर, किसी भी नंबर की अगर मैं बात करूं, तो आप कहोगे यूटिलिटी ऑफ 1 प्लस यूटिलिटी ऑफ 2 प्लस सो ऑन, जो भी करते जा रहे हो, जितने भी नंबर है उसको हम लोग बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? टोटल यूटिलिटी। पॉइंट समझ में आया? तो मैं इस टोटल यूटिलिटी को आपको समझा चुका हूं, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको तो हटा देता हूं बेटा, टोटल यूटिलिटी आपको क्लियर हो गई, ये 46 था, ये 50 था।
आइए मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ये टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ उसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। चेंज क्यों हुआ, जब हमने एक एक्स्ट्रा आइसक्रीम और खाई तो हमें टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज मिला उसको हमने नाम दिया मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहली पर तो कोई चेंज नहीं हुआ था, 20 रहा। दूसरी पर आप नोटिस कर पा रहे हैं 36 हो गया, 20 से 36 हो गया, तो कितना चेंज हुआ, 16। तीसरी पर 36 से 46 हो गया, कितना चेंज हुआ, 10। 46 से 50 हो गया, कितना चेंज हुआ, 4। 50 से 50 0, 50 से 44 -6। तो मार्जिनल यूटिलिटी के अगर मैं फॉर्मूले की आपसे बात करूं तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला हुआ चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। पॉइंट समझ में आया, जैसे अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 2 की, तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी हमारी कितनी थी मेरे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, और चेंज इन क्वांटिटी। और अगर मैं इसको एक और फॉर्मूले से आपको समझाऊं तो मार्जिनल यूटिलिटी आप जिस भी नंबर की बात कर रहे हैं तो TUM जिस नंबर की आप बात कर रहे हैं माइनस TUN माइनस 1, ठीक है मेरे बच्चों। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं पॉइंट नंबर 2 पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, तो हम मार्जिनल यूटिलिटी पॉइंट 2 पर बात करें, टोटल यूटिलिटी पॉइंट 2 पर थी 36 और 2 माइनस 1 यानी 1 पर कितनी थी 20, तो ये आ गई 16। आंसर आप देख सकते हैं कि आंसर मुझे मिल गया 16। पॉइंट समझ में आया या नहीं आया मेरे बच्चों, क्लियर हो गया। तो ये था टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन, एडिशनल यूटिलिटी आपको जो मिल रही है, एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन जो आपको मिला फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ गिवन कमोडिटी। आपने जब एक और कमोडिटी को कंज्यूम करा तो आपको एक्स्ट्रा कितना सेटिस्फेक्शन मिला उसे आपने नाम दिया मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूं आपसे रिलेशनशिप की, टीयू और एमयू की। तो आप रिलेशनशिप समझिए जल्दी से। देखिए मैं एक डायग्राम बनाऊंगा जिसमें यहां पर मैं बात करूंगा आपसे टोटल यूटिलिटी की, यहां मैं बात करूंगा यूनिट्स की। हम मिस्टर एक्स को कितनी आइसक्रीम खिला रहे हैं, 6 खिला रहे हैं सर, गर्मी भी बहुत है, 6 आइसक्रीम बहुत है, और वो हमें पॉइंट्स दे रहा था। तो जब वो हमें पॉइंट्स दे रहा है तो ये टोटल यूटिलिटी है हमारी, वो मुझे पॉइंट दे रहा है। और जब मैं मार्जिनल यूटिलिटी की बात करूं इसी के नीचे मैं आपको एक और डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूं, यूनिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 8, 12, 16, 20, और ये मेरी है मेरे बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 0। पहले बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की। जब हम यूनिट 1 कंज्यूम कर रहे थे तो टोटल यूटिलिटी आपकी कितनी थी, 20, यानी वो पॉइंट लगभग यहां आ रहा होगा। जब हम सेकंड यूनिट कंज्यूम कर रहे थे तो टोटल यूटिलिटी कितनी थी बेटा आपकी, 36, यानी वो पॉइंट लगभग यहां पर आ रहा होगा। थर्ड यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं तो टोटल यूटिलिटी मुझे मिली 46 समवेयर हियर। फोर्थ यूनिट कंज्यूम करी तो मुझे टोटल यूटिलिटी मिली 50 यहां। फिफ्थ पर भी कितनी थी मेरे बच्चों, 50, और सिक्स पर यूटिलिटी कम होकर हो गई 44 यहां। तो जब मैं इसको प्लॉट करूंगा तो आप देखिए ये कुछ इस तरीके से आएगा, टोटल यूटिलिटी कर्व है ये मेरा, ये कुछ इस तरीके से आएगा। और जब मैं मार्जिनल यूटिलिटी की बात करूं तो पहली यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी मेरी बेटा, 20, यानी पहली यूनिट पर 20 थी। दूसरी यूनिट पर वो थी कितनी, 16 हो गई,
यानी यहां आ गई। तीसरी यूनिट पर वो आ गई 10 यानी समवेयर इधर आएगी। चौथी यूनिट पर वो आ गई 4 बिल्कुल ही गिर गई थी। पांचवी यूनिट पर वो 0 थी और छठी यूनिट पर उसे -6 यानी वो और नीचे आ गई। तो जब मैं इसको प्लॉट करूंगा तो आप देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगी और ये नेगेटिव भी हो जाएगी। तो मेरे बच्चे जब मैं इसके रिलेशनशिप को समझाऊंगा तो आप रिलेशनशिप को बहुत ध्यान से समझिए। जैसे जैसे पहला रिलेशन जैसे जैसे टीयू बढ़ रहा है और वो पॉजिटिव है, आपका एमयू लगातार गिर रहा है। टीयू बढ़ रहा है और जब तक वो पॉजिटिव है एमयू गिर रहा है। जब टीयू आपका मैक्सिमम पहुंचा, टीयू कैसा पहुंचा मेरे बच्चों, मैक्सिमम, तो एमयू आपका क्या हो गया 0। जब टीयू मैक्सिमम पहुंचा एमयू हो गया 0 और जब टीयू अपने मैक्सिमम लेवल से गिरना चालू हुआ तो एमयू आपका नेगेटिव में आ गया। कैसे आ गया मेरे बच्चों, नेगेटिव में। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। थैंक यू।